और भाई लोग, क्या हाल चाल। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है हाउ टू अवॉइड हुक्का सिकनेस। यस, अरे बहुत सारे भाई लोगों ने कहा यार ऐसा वीडियो बनाओ विकी कि हम हुक्का पीते हैं, रेगुलर हुक्का पीते हैं, कभी 10 मिनट 15 मिनट हुक्का पीते हैं, हमारा सर घूम जाता है, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगता है, तो हमें ज़्यादा चक्कर आता है। ऐसा कुछ डेडिकेटेड वीडियो बना जिसको देख के हमें ये नॉलेज हो, हम कुछ सीख पाए कि यार हमें हुक्का कैसा पीना चाहिए, तो हमें कैसे इस प्रॉब्लम से बचना चाहिए। तो हाजिर हूँ आपके सामने एक खास टॉपिक लेके। अगर जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ उस टॉपिक को आप लोग फॉलो करते हो, मेरा वीडियो 5 मिनट आप देखते हो, तो शायद आपको ये प्रॉब्लम कभी झेलना ना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिमाइंड करा दूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, थैंक यू। तो आपने 10-12 दिन हुक्का नहीं पिया तो आपके अंदर हुक्के की भूख लगी, एक तड़प लगी आपके अंदर कि यार मैं हुक्के का पाइप मिलते ही थोड़ा चूस डालूंगा, हुक्का पर खींच डालूंगा। ये आपके हाथ में पाइप आता है तो आप कंटिन्यू 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट खींचते हो और आपको लगता है यार मैं वीक हो गया। जैसे आपको कभी वॉमिट भी होता है, कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको वॉमिट आ रहा है, कभी लगता है सर भारी हो गया। आपको कभी ऐसा नहीं करना है। हुक्का आपके पास भले ही 2 महीने बाद आए, 15 से 20 पफ अपने कंटिन्यू मारे, उसके बाद आपको पाइप पास करना ही करना है। यस, कंटिन्यू आपको हुक्का नहीं पीना है और आपका पहला सेशन आपका ख़त्म हुआ, आपने 10-15 पफ मार लिया, तो तुरंत आपको पानी पीना है या तो कोल्ड ड्रिंक पीना है, कुछ तो ऐसा लिक्विड लेना है जिससे आपका गला ना गीला हो जाए, ठीक है ना। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, हुक्के को कभी खाली पेट में ना ले, या तो पूरा भरा हुआ पेट में भी हुक्का ना ले कभी भी। क्या होता है ना, जिस टाइम आप खाली पेट रहते हो, आपके बॉडी में कुछ रहता नहीं है, उस टाइम आप स्मोक लोगे अंदर तो आपको चक्कर आएगी आएगी, ये आना ही है गाइस, ये कुछ अलग नहीं है। ये मुझे भी होता है, अगर मैं खाली पेट हुक्का पीता हूँ सुबह सुबह तो मुझे चक्कर आता है, लगता है कि यार उल्टी हो रहा है मुझे। और ज़्यादा आपने खाना खा लिया, आपको पेट में जगह ही नहीं है, फिर भी हुक्का खींचोगे तो भी आपको वोमिट होगा, वोमिट होगा ही होगा आपको, या तो आपको सर बहुत भारी होगा। तो आपको इस चीज़ को भी अवॉइड करना है, या तो खाली पेट या तो भरा हुआ पेट में कभी आपको हुक्का पीना नहीं है, ठीक है ना। और तीसरा हमारा पॉइंट ऐसा है कि आपको कभी भी ना 50 ग्राम का डिब्बी जो फ्लेवर है, अलफकर का, रॉयल स्मोक का, अलादीन का, कोई भी फ्लेवर आपको 100 रुपये लेता है, आपको मे बी आपको विंटर 100 रुपये लेता है, तो आप सोचो यार दूसरा फ्लेवर आपको 70-80 रुपये मिल रहा है। वैसा करके आपको कभी ना ब्रांड सेक्रीफाइस आपको करना नहीं है कभी भी। जो ब्रांड के आप पीते हो, जिस ब्रांड के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह नॉलेज है, आपको उसी ब्रांड के फ्लेवर पीना है। आपको लगे यार हुक्का ही तो पीना है, 20 रुपये कम में मिल रहा है, चल ले लिया ये फ्लेवर, ऐसा कभी नहीं करना गाइस। जिस ब्रांड के फ्लेवर आप पीते हो आपको वही ब्रांड का फ्लेवर पीना है, और हो सके तो ज़्यादा फ्लेवर मिक्स नहीं करना है, आपको 2 से 3 फ्लेवर मिक्स करो और मज़े से पियो। तो आपको कभी भी ऐसा लगेगा नहीं कि यार आप बहुत ज़्यादा लोड ले रहे हो, आपका सर घूम रहा है, आपको उल्टी आ रहा है, कभी ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि जिस ब्रांड के फ्लेवर आप रेगुलर पीते हो आप उसी ब्रांड के फ्लेवर पी रहे हो, वो आपको शूट करता है। चौथा पॉइंट ये है, अगर हो सके तो आप नेचुरल कोल से ही हुक्का पियो। अगर नेचुरल कोल आपके पास नहीं है तो कोकोनट कोल ठीक है, बट आप उससे बाहर मत जाओ। मैजिक मानिया का यूज़ करो, कोकोयाया का यूज़ करो, माया का यूज़ करो, अल्फाकर का भी आता है, आप किसी रैंडम ब्रांड के कोकोनट कोल यूज़ मत करो, और प्लीज़ मैजिक कोल और स्मोका कोल का भी यूज़ करना नहीं है, बहुत ही थर्ड क्लास कोल होता है। और अक्सर ऐसा भी होता है, मैं हमेशा पीता हूँ कीवी ज़ाफरान, या तो मगे सालसा, या सालसा मिंट, सुपारी सालसा, ये सब फ्लेवर पीता हूँ। अगर मैंने कभी नया फ्लेवर पी लिया, कल की बात है मैंने मैंगो ज़ाफरान पिया था, पता नहीं ऐसा हिट हुआ मेरे दिमाग पे, लगा कि यार क्या हो रहा है मुझे, मैं ऑलमोस्ट नीचे गिर गया था, इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर तो नहीं है वो, पता नहीं फिर भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर लगा। काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है, जो फ्लेवर आप हमेशा पीते हो आप वही फ्लेवर ट्राई करो पीने के लिए, आप नया फ्लेवर ट्राई करोगे आपको सूट नहीं होगा, आपको चक्कर आएगा, ऐसा भी होता है। काफ़ी लोग मेरे इस बात से एग्री नहीं होंगे, लेकिन ये बात मैंने एक्सपीरियंस किया है और अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा हूँ कि ऐसा भी होता है गाइस। यस, होता है ऐसा भी, हमेशा ये नहीं है कि आप प्यार आपकी मर्जी करो, कोई भी फ्लेवर पियो आप, जो फ्लेवर पे आपको ट्रस्ट है, जो फ्लेवर आप हमेशा पीते हो, या
कोई दोस्त से पूछा करो या कोई हुक्के वाले से पूछो कि भाई स्ट्रॉन्ग फ्लेवर कौन सा है, लाइट फ्लेवर कौन सा है। और आप ना खाली पेट में अगर आप हुक्का पी रहे हो, कभी कभी मॉर्निंग में आपने चाय पी लिया, दो बिस्कुट खा लिया आपने, आपको हुक्का पीने का मन किया, आपने नाश्ता तो कर लिया, फिर भी आपको मॉर्निंग में पहला हुक्का आपको लाइट हुक्का लेना चाहिए, अगर मेरी बात माने तो। और लास्ट पॉइंट बहुत ही खास और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इसको ज़रा ध्यान से सुनना, अगर हो सके तो, अगर हो सके तो ओपन में ही हुक्का पियो। यस, आप घर में हुक्का पीते हो कोई बात नहीं यार, सफोकेशन नहीं होता आपको, आपके घर में आप ही पी रहे हो और भी हुक्का नहीं पी रहा है तो चलता है, क्योंकि आपके घर में एसी भी होता है, आप एसी के सामने बैठ के पीते हो और वेंटिलेटर होता है, वो स्मोक निकल जाता है। बट अगर हो सके तो खुले जगह पे ही हुक्का पीना है आपको, क्योंकि क्या होता है ना, उससे सफोकेशन नहीं होता है। तो जो 100 लोग हुक्का पी रहे एक जगह में बैठ के, हर आदमी अलग अलग फ्लेवर पी रहा है, उसका स्मेल आता है नाक में, उसका स्मेल जाता है आपका आँख में, फ्लेवर जाता है आपका, तो क्या होता है ना, उससे आपको दिमाग में हिट होता है, उससे भी आपको वॉमिटिंग होना, सर भारी होना हो सकता है। अगर हो सके तो ओपन प्लेस पे ही हुक्का पीना है। सच्ची ये बात मैंने भी आजमाई है, पता है। और ऐसा है कि मैक्सिमम लोगों को ओपन में ही हुक्का पीना पसंद है, बट कुछ मेरे भाई लोग हैं जिसको रिंग्स निकालने होते, बड़े बड़े छल्ले निकालने होते, उनको पैक जगह एसी में बैठना अच्छा लगता है। अगर मेरी मानो तो गाइस ओपन में ही बैठ के हुक्का पिया करो, इससे क्या होता है आपको सफोकेशन नहीं होता ऑब्वियसली यार, भले 1000 आदमी आपके सामने हुक्का पी रहे हो, एक के हुक्के का स्मोक दूसरे के टेबल में जाता नहीं है और दूसरा क्या पी रहा है उसको मालूम नहीं पड़ रहा, क्योंकि हुक्के का स्मोक फट से उड़ जाता है, तो सुकून से हुक्का पी पाओगे आप, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। बेस्ट चीज़ यही गाइस कि आप हो सके तो ओपन में ही हुक्का पियो, ठीक है ना। तो मेरे हुक्केड़ी भाइयों, बहुत हो गया आज का ज्ञान, तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को यार। देखो आपका भाई आप लोगों के लिए इतने ज्ञान की बातें बता रहा है, इतना कुछ बता रहा है आप लोगों के लिए यार, आप लोग हुक्का कैसे पियो, आप लोग ऐसा करो, आप लोग ऐसा करो, आप फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते यार, करो यार, वो लाल कलर की घंटी है उसको दबा दो यार। आज ही इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, बाय, लव यू ऑल।